देवेंद्र फडणवीस जी से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि धनंजय मुंडे जैसे व्यक्तियों को और ऐसे क्रिमिनल लोगों को आपने लेके जिनको जेल दिखानी चाहिए उनको आपने मंत्रालय क्यों दिखाया है। तो मैं जिला अधिकारी कार्यालय में गई तो वहां पे मेरे को उसके गुंडे ने मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी, और वो भी कहां पे, कलेक्टर के केबिन में। और मेरे सिर्फ इतनी मांगनी है कि वो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिले, पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी धनंजय मुंडे बीजेपी राष्ट्रवादी सबको जेब में लेके घूमता है। और आज अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया, और डायरेक्ट मैं देवेंद्र फडणवीस जी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि इन बड़े नेताओं को मंत्रालय में कौन आ रहा है, कौन सी कंप्लेंट आ रही है, सिर्फ ये रद्दी है इन लोगों के लिए जिसको भी बेच के ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खा लेते हैं, जैसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है। तो आज इन लोगों को किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है, महाराष्ट्र में महिलाओं पे क्या अन्याय हो रहा है उसको जानने की फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि धनंजय मुंडे जैसे व्यक्तियों को और ऐसे क्रिमिनल लोगों को आपने लेके जिनको जेल दिखानी चाहिए उनको आपने मंत्रालय क्यों दिखाया है। और आज तो धनंजय मुंडे ने हद कर दी। अभी 2 महीने पहले मैं जिला अधिकारी कार्यालय में, जैसे कि सबको मालूम है कि मैं भीड़ में रहती हूँ, तो मैं जिला अधिकारी कार्यालय में गई तो वहां पे मेरे को उसके गुंडे ने मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी, और वो भी कहां पे, कलेक्टर के केबिन में। मैं उसके लिए भी कंप्लेंट दे चुकी हूँ देवेंद्र फडणवीस जी को भी, डीजी को, बीड़ एसपी को, कलेक्टर मैडम को, सब जगह दे चुकी हूँ। और मेरे सिर्फ इतनी मांगनी है कि वो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिले, पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी धनंजय मुंडे बीजेपी राष्ट्रवादी सबको जेब में लेके घूमता है। ये मेरा नहीं, ये उसका कहना है। अभी भी मुझे सुबेरे यही फोन करके मेरे बच्चों को बोला गया, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रही है, कोई पत्रकार नहीं आने वाला। फिर भी मैं ये सोच के इतनी दूर से आई कि कोई पत्रकार नहीं आया तो मेरा फेसबुक लाइव तो है, और आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, 6-6 मिलियन लोग मेरे फेसबुक लाइव को देखते हैं। तो मैंने सोचा कोई पत्रकार नहीं आएगा तो मैं खुद ही लाइव ले दूंगी। पर आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए। तो आज मेरा देवेंद्र फडणवीस जी से यही एक हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे घानेड़े लोगों को आप जेल का रास्ता दिखाइए, अपने जो आपने ये मांडवाली की है इनको निकालिए और इनको इनकी सही जगह दिखाइए। इसका जो नुकसान है आने वाली चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का नाम महाराष्ट्र के वजह से आपने जो महाराष्ट्र में युक्तियां करी करके बैठे, अरे आप सोचिए जब सारे पक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो जनता न्याय किससे मांगेगी और किसके पास जाएगी? आज जैसे मैं भटक रही हूँ, आज एक मंत्री की बीबी होने के बावजूद भी आज क्या धनंजय मुंडे के 2 कोड़ी के नेता गुंडे की क्या औकात है कि मंत्री की पत्नी को जिला अधिकारी कार्यालय में मारता है, बदतमीजी करता है उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं भीड़ छोड़ दूं? नहीं, पर मैं किसी हालत में भीड़ छोड़ने वाली नहीं हूं। और यदि मुझे या मेरे किसी कार्यकर्ता को या मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे एंड गुंडा गैंग और ये जो सरकार चल रही है, तिघाड़ी पूरी सरकार, और जो हमारे शासन है पुलिस प्रशासन, वो होगी।